हेलो फ्रेंड्स, तो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के मतलब क्या होता है, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल में क्या वर्क होता है, फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन दिया छोटा सा है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इससे अच्छा आपको डिफिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, गूगल पे आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। इतना ईजी वे में मैंने यहाँ पे दिया हूँ कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो कि है मेमोरी लोकेशन का एक आपका नेम है। वेयर वी स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करता है, एंड यहाँ पे किसी प्रकार का वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है हम लोग का, वेरिएबल आपका चेंजेबल है। यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, आप किसी प्रकार का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। इसमें इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लाइक दिस, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं आप एग्जाम्पल इसका क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 7। ओके, इस 7 को इस कंप्यूटर में हमको स्टोर करना है। लाइक दिस, यहाँ पे एक आपका लोकेशन है, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे आप लोकेशन है, इस लोकेशन का आपका 100 इसका एड्रेस है। ओके, लाइक दिस यहाँ पे आपका 100 एड्रेस हो गया। अगर हमको इस 7 को यहाँ पे स्टोर करना है तो स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर क्यों नहीं कर सकते, अगर आप 7 जो है इसको कंप्यूटर ये कुछ भी नहीं समझता है, अगर आप 7 को स्टोर करने जाएगा तो आपका यहाँ पे सिस्टम में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये 7 को इस कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता, इसको समझ नहीं सकता है आपका क्या है। अगर हमको 7 को स्टोर करना है तो इसके लिए हमको एक नेम देना होगा। तो नेम देने के लिए क्या, यहाँ पे मैंने ये जो ए लिखा है, ये आपका स्मॉल ए जो है मैंने यहाँ पे दिया, ये आपका वेरिएबल हो गया 7 का। ओके, अगर आप इतना भी अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपका सिस्टम में आपका डेटा जो कि है स्टोर नहीं होगा। क्यों स्टोर नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी को वैल्यू को स्टोर होने के लिए स्पेस चाहिए। तो इससे मेमोरी कौन प्रोवाइड करेगा, डेटा टाइप। इसका टाइप क्या है, बेसिकली आपका जो 7 है आपका नंबर है। अभी अगर आप नंबर लेते हैं तो नंबर आपका इंटीजर टाइप होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा इंट, तो ये जो 7 है मेरा यहाँ पे आकर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और इसके लिए मेरा 4 बाइट का मेमोरी बनेगा। ये जो मेमोरी बना है आपको यहाँ पे 4 बाइट का बनेगा। ओके, मैंने यहाँ पे एक 100 नाम का लोकेशन लिया था, उस लोकेशन का नाम यहाँ पे आपको ये हो गया है। यहाँ पे जो ये है आपका, ये आपका लोकेशन हो गया, और 7 जो है आपका वैल्यू हो गया। यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर हो गया, जो कि 4 बाइट का इंटीजर होता है। आपको यहाँ पे आपका इंटीजर वैल्यू पूरी तरह से सिस्टम में आपको स्टोर हो चुका है। हमने जो कंप्यूटर सिस्टम है वेरिएबल वैल्यू को जो स्टोर किया 7 को, अगर हमको कभी एक्सेस करना होगा तो इसको किस नाम से एक्सेस करेंगे, ये जो वैल्यू है आपको इसको फाइंड कर पाइएगा। यहाँ पे अपने डाटा को फाइंड करने के लिए आप अपने लोकेशन को सर्च कीजिएगा। ओके, तो लोकेशन पे जाएगा तो लोकेशन पे आपको 7 आपको वहाँ पे स्टोर मिलेगा। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखेगा system.out.println, और जो वहाँ पे डबल कोटेशन का अंदर हम लोग ने जो मैसेज प्रिंट करते हैं वहाँ पे आप ए को प्रिंट कीजिएगा, तो वहाँ पे इसका आंसर जो आएगा, वैल्यू आएगा जो 7 आएगा। जैसे ही हम लोग ए प्रिंट करेंगे तो ए के बदले मेरा 7 वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ए का वैल्यू ही वहाँ पे 7 है। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ आपको वेरिएबल के बिना आपको इस सिस्टम में किसी प्रकार का वैल्यू स्टोर भी नहीं कर सकते, ना ही इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट। और वेरिएबल चेंज हो सकता है, जो इसकी वैल्यू मैंने 7 दिया है, यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का वैल्यू डाल सकते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, किसी प्रकार का आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग की जावा में कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। आपका वेरिएबल क्या इतने प्रकार के हैं, तो वेरिएबल बेसिकली आपको जावा में 4 प्रकार के होते हैं, मैंने लेकिन यहाँ पे 3 ही प्रकार के दर्शाए हैं, आपको चौथा ही बता देंगे। फर्स्ट है आपका लोकल वेरिएबल, सेकंड है स्टेटिक, एंड थर्ड है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, एंड फोर्थ होता है आपका फाइनल वेरिएबल, एक होता है आपका फाइनल टाइप का। ये भी आपका एक जावा का वेरिएबल ही है। ओके, तो बेसिकली लोकल में क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो होता है किसी मेथड के अंदर अगर आता है आपका लोकल वेरिएबल। लाइक दिस, यहाँ पे अगर किसी मेथड के अंदर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उस प्रकार का आपका हो गया ये लोकल वेरिएबल। अगर आप किसी कंडीशनल के अंदर भी वेरिएबल डालते हैं लाइक दिस इफ इफ एल्स, तो भी आपका वो क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब किसी मेथड एंड किसी ब्लॉक के अंदर लिखा गया हो उसको आप लोग लोकल वेरिएबल बोलिएगा। स्टैटिक वेरिएबल होता है जिसमें स्टैटिक लगा होता है, किसी भी वेरिएबल में अगर स्टैटिक लगा हो तो उसको आप स्टैटिक वेरिएबल बोलिएगा। इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि सभी मेथड एंड सभी ब्लॉक्स के बाहर लिखा रहता है, सिंगल केवल ही आपका जो क्लास के अंदर लिखा रहता है वो आपका होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपका कोई भी वेरिएबल सभी मेथड के बाहर है एंड केवल क्लास के अंदर है तो आपका होता है इंस्टेंस वेरिएबल। और फाइनल वेरिएबल ऐसा होता है जिसके वैल्यू को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, तो इन सभी को लोकल, स्टैटिक, इंस्टेंस एंड फाइनल वेरिएबल को एग्जांपल में देखेंगे। फाइनल वेरिएबल जो कि जावा में हम लोग इंस्टेंस पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इसको देख लेंगे फाइनल वेरिएबल को। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोकल, स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जांपल। तो चलते हैं अपने हम लोग वीएस कोड पे। हम आ गए अपने प्रैक्टिकल देखने के लिए, तो ये मेरा
प्रीवियस वाला प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ल्ड का हम लोगों ने प्रिंट किया था, वेलकम टू जावा। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके लिए हम लोग जावा फाइल क्रिएट करेंगे। जावा फाइल को नेम दे देते हैं लाइक दिस, यहाँ पे second.java सेकेंड वन कर देते हैं हम लोग। ओके, इसको इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरा क्लास फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका एग्जिस्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसका सिंटेक्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जावा का जो सिंटेक्स होता है उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग args एंड बिग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हो गया आपका जावा का सिंटेक्स। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग वेरिएबल के बारे में, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लाइक दिस, मैं यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप का, इंटीजर लाइक दिस यहाँ पे ए, और ए का वैल्यू यहाँ पे हम आपका इंसर्ट करते हैं लाइक दिस, यहाँ पे 5-7 ले चलते हैं। ओके, 7 इसका वैल्यू हो गया, ये आपका है। एंड यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पे कमेंट लाइनिंग बनाकर कि ये मेरा कौन सा वैल्यू है, तो ये आपका है इंस्टेंस वेरिएबल। एंड नेक्स्ट हम डेटा टाइप यहाँ पे बनाएंगे डबल का। ओके, यहाँ पे डबल ले रहे हैं, तो डबल के यहाँ पे लाइक दिस यहाँ पे बी लेते हैं। बी का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 5.5। ओके, 5.5 एंड सेमी कॉलन। यहाँ पे आपका हो गया डबल टाइप का हो गया। और यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दिया बी नाम का जिसको वैल्यू दिया 5.5। लाइक दिस आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वेरिएबल जो होता है चेंजेबल होता है, उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग बनाते हैं स्टेटिक वेरिएबल। यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा देंगे स्टेटिक कीवर्ड स्टेटिक, यहाँ पे आपका एस स्मॉल रहेगा। ओके, ये हो गया आपका स्टेटिक वेरिएबल। इसको भी कमेंट लाइन में आपको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे मैं स्टेटिक वेरिएबल। ये जो आपका वेरिएबल बना दिया यहाँ पे हम लोग, दो वेरिएबल हो चुका हम लोगों, इंस्टेंस वेरिएबल एंड नेक्स्ट है आपका स्टेटिक वेरिएबल। ओके, इसको स्टेटिक वेरिएबल इसलिए मेंशन किया कि हमने इस वेरिएबल को जब क्रिएट कर रहे थे तो आगे में यहाँ पे मेंशन किया है स्टेटिक कीवर्ड को। एंड नेक्स्ट हम लोग अब डेटा टाइप बनाएंगे मेन मेथड में। आपका ये मेन मेथड है, यहाँ से आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज है। इस मेन मेथड के अंदर जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे वो बनाते हैं हम लोग बुलियन टाइप का। ओके, बुलियन सी देते हैं, सी इक्वल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर वगैरह नंबर भी ले सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे 37 ले सकते हैं सेमी कॉलन, लेकिन बट यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। और ये है आपका लोकल वेरिएबल। ओके, इस लाइन को भी हम लोग कमेंट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल वेरिएबल। ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। अब इसको हम लोगों को प्रिंट कराना होगा। ये आपका यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टेटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अब इसको हमको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करने के लिए उसका वैल्यू को हम लोग लोकेशन देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ ए को प्रिंट कराएंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग। तो ए को प्रिंट कराने के लिए हम लोग को चाहिए एक लोकल वेरिएबल। ओके, तो लोकल वेरिएबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये ए है ना, ये आपका क्लास का वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बिना ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ईजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल के नेम, फाइल नेम आपका है सेकंड वन। एंड यहाँ पे न्यू कीवर्ड लेंगे एक लाइक दिस, मैं यहाँ पे लेता हूँ वाई एंड इसका वैल्यू यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड ही बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। एंड नेक्स्ट में आफ्टर ऑल यहाँ पे लिखेंगे सेकंड सेमी कॉलन। ओके, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे वाई नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो वाई नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ए के जस्ट आगे मेंशन कर देंगे वाई डॉट ए। ओके, तो ठीक इसी लाइन को कॉपी करके हम लोग नीचे पेस्ट कर लेते हैं। और इस नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए जो स्टैटिक वेरिएबल है हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड नेक्स्ट आपका लोकल वेरिएबल को भी आपको एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग का प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट एंड रन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग का प्रोग्राम रेडी हो चुका है आपका, तो यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, क्या इसका आउटपुट आता है। चलिए प्रिंट कराते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आपका एरर जो शो हो रहा है वहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं किया, लाइक दिस यहाँ पे तीनों जगह पर ए ही है, तो यहाँ पे बी कर देता हूँ और नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सी कर देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट एंड रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट हम लोग क्या आता है। आउटपुट हम लोगों का देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 7 आ चुका है आपका, जो कि यहाँ पे मैंने 7 दिया था वो आपका है इंस्टेंस वेरिएबल। एंड सेकंड है आपका 5.5 जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। एंड थर्ड है ट्रू जो कि आपका बुलियन है जो कि लोकल वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा टाइप का भी प्रैक्टिस हो गया लाइक दिस, यहाँ पे इंट डबल एंड यहाँ पे आपका नेक्स्ट है बुलियन। ओके, और इसमें मेरा ए बी सी जो है वो आपका वेरिएबल है
जो कि अलग अलग तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपने, और इसी अलग अलग टाइप के वैल्यू को एक्सेस करता है आपका स्पेसिफायर। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल हो गया हम लोगों का। अगर आप इसको चाहें तो एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके लिए आपको कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे इस दो लाइन को रिमूव कर देते हैं और एक लाइन में इसको प्रिंट करता है। तो कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर यूज करने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन चाहिए और डबल कोटेशन के अंदर प्लस चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे आप डबल इक्वल एंड डबल प्लस ले लेते हैं। एन एस के अंदर लिखेंगे हम लोग वैल्यू अपने अंदर डाल देंगे। यहाँ पे इस प्लस को हम लोग इसलिए यूज किए हैं, मेरा वैल्यू पहले ए प्रिंट हो, उसके बाद स्पेस है, फिर बी प्रिंट हो, फिर उसके बाद स्पेस है। तो यहाँ पे हमने बी नहीं टाइप किया, बी टाइप कर देते हैं। ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग का प्रोग्राम जो कि है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसको अब हम लोग करते हैं रन। आउटपुट एक बार चेक करते हैं हम लोग। देखिए आपका 7 है आपका, जो कि यहाँ पे आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, 5.5 आपका स्टैटिक वेरिएबल शो हो रहा है और ट्रू आपका लोकल वेरिएबल शो हो रहा है। तो इस प्रकार भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल एनिमी आप सिंगल बाय सिंगल एक्सेस कर सकते हैं एंड सिंगल एनिमी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉच।